आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुक करते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों की ओर। विश्व अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज श्रमिक सम्मान समारोह और प्रोत्साहन पुरस्कार का वितरण का आयोजन हुआ। साथ ही श्रमिकों के बच्चों को साइकिल वितरण किया गया। इसी के साथ प्रदेश के अनेक जनपदों से आए श्रमिकों को प्रोत्साहन पुरस्कार भी दिया गया। के तौर पर श्रम और सेवा योजन मंत्री अनिल राजभर समेत राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत और श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सुनील भरला सहित श्रम आयुक्त राजशेखर मौजूद रहे। वही श्रम व सेवा योजन मंत्री अनिल राजभर ने प्राइम टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। जन मंत्री अनिल राजभर जी, सर आज यहाँ सहायता राशि दी गई है, साथ ही साथ श्रमिकों के बच्चों को आज साइकिल दी गई, क्या कहेंगे? ये तो प्रतीक स्वरूप ये जो कार्यक्रम में आपने देखा, चाहे साइकिल हम लोगों ने दिया या और भी जो सहयोग हम लोगों ने किया है, ये तो प्रतीक के तौर पर ये है। हमारी जो योजनाएं सरकार की चल रही हैं उसके जो लाभार्थी हैं आज उनको बुलाया गया, जो चयनित लोग हैं उनको थोड़ा देकर एक प्रतीक के तौर पर, ताकि लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आए, एक चेतना आए, सरकार की जो योजनाएं हैं उससे वो लाभान्वित हों, उसका लाभ लेने का वो प्रयास करें। सर पिछली जब आपकी सरकार थी तो उसमें श्रम कार्ड बनाया गया, ई श्रम कार्ड, उनको उसका आगे की क्या तैयारी, उसको कैसे काम में लिया जाएगा? ई श्रम के कार्ड भी आगे भी बनाएंगे। हम लोगों ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि हमारे जितने श्रमिक हैं उनको सीधे हम जोड़ेंगे। हमारी प्राथमिकता है, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा मैन पावर देश का है, इस मैन पावर को सरकार के सिस्टम के साथ जोड़ना और उत्तर प्रदेश के विकास में इनको कहीं ना कहीं भागीदार बनाना, ये हमारा लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश का मैन पावर हमारा बाहर न जाने पाए, ये हमारे लिए एक चुनौती है, उसको हम लोगों ने स्वीकार किया है और उसी तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद थे अनिल राजभर जी, जो श्रम एवं रोजगार मंत्री, जिनका साफ तौर पे कहना है कि श्रमिकों के विकास के लिए हर एक बेहतर काम किए जाएंगे। साथ ही साथ ई श्रम कार्ड जो बनाए गए थे उसमें जो मजदूर थे उनको बेहतर ढंग से काम में लिया जाएगा। कैमरामैन दीपक के साथ विभान सुप्राइम टीवी लखनऊ। वही कार्यक्रम में मौजूद श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सुनील भराला ने श्रमिकों के कल्याण को लेकर कई बातें की और उनकी जिंदगी में बेहतरी लाने को लेकर भी क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पे आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में श्रमिकों का सम्मान समारोह रखा गया था। इसी क्रम में हमारे साथ श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सुनील भराला जी हैं। सर आज यहाँ पे तमाम लाभार्थियों को लाभ दिए गए, साइकिल दी गई और श्रमिकों को कुछ सहायता राशि दी गई, क्या कहेंगे? देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर आज श्रमिकों को सम्मान करना, उत्तर प्रदेश हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की उपलब्धियों का व्याख्यान था और श्रमिक दिवस के रूप में मनाया गया था। इस पर आज उत्तर प्रदेश में हमारे गौतम बुद्ध नगर जनपद, गाजियाबाद जनपद, हापुड़ जनपद आदि जनपदों से आज श्रमिकों के लिए श्रवण कुमार धार्मिक पर्यटन यात्रा का आयोजन श्रम कल्याण परिषद के द्वारा लाभार्थियों को लाभ देकर के किया जा रहा है। हमारे आज वो लाभार्थी जिनका एक सपना था कि श्रवण कुमार लाभार्थियों को लेकर के आज हम गंगा की धार्मिक यात्रा पर हैं, हरिद्वार में है, कोई माता शाकुंभरी देवी है, कोई वृंदावन में मथुरा भगवान श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि पर है, कोई आज माँ विद्वासिनी जी है, कोई काशी विश्वनाथ जी के यहाँ है, गोरखनाथ धाम है, कोई भगवान श्री राम के यहाँ है। तो ऐसा आज ऐसे आयोजनों का कार्यक्रम करके और यहाँ लाभार्थियों को लाभ दे करके
हमें बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है। जिन श्रमिकों को बहुत दिन से ये जिज्ञासा थी, आशा थी और उनकी आंखें तरस रही थी इस काम के लिए, आज इस सपने का लाभ उनको मिल रहा है और वो लाभार्थी लाभ लेकर के आज उत्तर प्रदेश में श्रमिकों को लाभ दे करके उनको जो है अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जी सर, आप श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आमतौर पे आम जो नागरिक है, सामान्य नागरिक है, सबका बीमा होता है स्वास्थ्य संबंधित। अगर मजदूरों की बात की जाए तो क्या सरकार को आप ऐसे सुझाव देंगे कि उनका भी बीमा कराया जा सके, जिससे आमतौर पे वो शिकार होते हैं ऐसे हादसों के, तो उन्हें लाभ मिल सके? अभी हमने ऐसी तरह तरह की योजनाओं का लाभ लेने का निर्णय लिया है जो संगठित क्षेत्र में और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए काम है। उस काम का हम लगातार लाभ और बीमा जैसी योजनाओं का भी निर्माण कर रहे हैं और उसको लाभ दे रहे हैं। जी, तो हमारे साथ श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सुनील भराला जी थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि मजदूरों के हित में हर एक भरसक प्रयास करेंगे। और वहीं उन्होंने बताया कि प्रदेश भर के 75 जिलों से श्रमिकों को बुलाकर आज सम्मान समारोह का काम किया गया, साथ ही साथ प्रोत्साहन राशि के रूप में उन्हें धनराशि भी दी गई। कैमरामैन दीपक के साथ विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ। नव युग नव चेतना सेवा संस्थान की ओर से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि सत्र विधायक पंकज कुमार गुप्ता ने रक्त शिविर का शुभारंभ किया और लोगों को रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया। वहीं पंकज गुप्ता ने रक्तदान जागरूकता संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि वास्तव में नव युग जन चेतना समाज हित में सीमित साधनों के बीच दुरुस्त कार्य कर रही है। आज हमारे जिला अस्पताल उन्नाव में ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन नवयुग जन सेवा संस्थान द्वारा किया गया। इसके संस्थापक पुतल लाल गोपाल जी हैं और माननीय विधायक जी ने, हमारे सदर विधायक पंकज गुप्ता जी ने रक्तदान किया और हमारे संस्थापक जो नवयुग जन सेवा संस्थान पुतल लाल गोपाल जी ने आगे आकर सभी अपने साथियों के साथ में प्रोत्साहित कर। एक तरफ योगी सरकार राशन कार्ड धारकों को निशुल्क खाद्यान्न सामग्री पहुंचाने के लिए जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर राशन डीलर सरकारी योजनाओं को जमकर पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसा एक मामला जनपद मानपुरी के करहल तहसील क्षेत्र में देखने को मिला है, जहां ग्राम पंचायत नगला ज्वात के तमाम राशन कार्ड धारकों को करहल तहसील मुख्यालय पर पहुंच राशन डीलर के खिलाफ प्रदर्शन किया और उन्होंने राशन डीलर मुर्दाबाद के नारे लगाकर प्रशासन को ध्यान अपनी ओर खींचा। इस दौरान तहसीलदार विशाल सिंह को राशन डीलर के खिलाफ एक शिकायत पत्र सौंप कार्रवाई की मांग की गई। मामला यह है कि हम, हमारे जो गल्ला जो भारत दादूपुरा में, वो गल्ला नहीं दे रहे, कहते हैं कि हम अभी तो अभी 10 तारीख को देंगे, तो उस तारीख को देंगे। अंगूठा घर से घर बैठे अंगूठा लगवा के लेके आते हैं, गल्ला दे दे नहीं है। क्या नाम है राशन डीलर का? लोल दे देते हैं, वो भी नहीं देते हैं और 2 बार अंगूठा लगवा ले गए और देते नहीं है, बेच दिए गला ले आके हैं। और क्या चाहती हैं आप, क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं गरीब आदमी, हम लोग के गला मिलना चाहिए। सर, हमारा डीलर जो है, हम नगला जात के हैं, हमारा कोठा है दादूपुर मौजा में अटैच कर दिया गया। जी सर, हमारा मतलब राशन नहीं दिया जा रहा है इस महीने में, पूरे महीना में अंगूठा 2 बार लगवा लिए, गल्ला नहीं दिया। जी, करहल नगला जात के कुछ लोगों ने शिकायत की है कि विक्रेता द्वारा अंगूठा लगवा लिया, खाद्यान्न नहीं दिया है। जिसका ज्ञापन प्राप्त हुआ है उसकी जांच की जाएगी और यदि विक्रेता दोषी है तो उसके विरुद्ध। खबर उन्नाव से है, जहां नर्सिंग होम कर्मी युवती का दीवार से लटकता शव मिला। हालांकि पोस्टमार्टम में अभी तक ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि मौत रेप से या दीवार से लटकने से हुई है। बता दें, इस मामले पर पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है और 4 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। कल बांगर मऊ के न्यू लाइफ हॉस्पिटल में एक युवती का शव मिला था, जिसकी पोस्टमार्टम कराई गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, FIR दोनों को मिला करके इसमें विवेचना की जा रही है और जो भी विधिक स्थिति बनेगी उसके अनुसार।
मैनपुरी में विवाहिता की हत्या कर शव को जलाने का मामला सामने आया है। पीड़ित मायके पक्ष की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को चिता समेत विक्षत हालत में उतार दिया, लेकिन शव पूरी तरह जल चुका था, जिसके बाद पुलिस ने उसका दोबारा अंतिम संस्कार करा दिया। वहीं मायके पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने चार ससुराल वालों के खिलाफ हत्या के बाद सबूत मिटाने के प्रयास की धाराओं में FIR दर्ज किया। पुलिस अब आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप भी लगाया है। बता दें कि साल पहले मृतिका की शादी हुई थी। मेरी बहन की यहाँ मनोना में शादी हुई थी, कौशल नाम के, तो उनके माता पिता और जो कौशल है और उसका भाई, उन लोगों ने मिलकर उसे, मेरी बहन को पहले प्रताड़ित किया, मारा उसे, फिर उसके बाद उसे जला दिया। हम लोगों को कुछ इतला नहीं की, ना खबर दी कोई बात क्या हुआ, बीमार थी या कुछ सुसाइड कर लिया, कुछ नहीं बताया हम लोगों को, और फांसी लगा दी। हम लोग गाँव वालों ने इतला की बताया, तब हम लोग आए और फिर हम लोगों तो चली हुई मिली और थोड़ी बॉडी बची हुई थी, तो अभी सुबह हम लोगों ने पुलिस कार थाना क्षेत्र में मिली है, तो कल इस तरह की बात प्रकाश में आई थी। तत्काल पुलिस पोस्ट में मौके भेजी गई, लेकिन उस टाइम पहुँचने के पहले ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। मायके वालों की तहरीर पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शव को गायब करने के आरोप में समुचित धाराएं बढ़ाई जाएंगी। और खबर मैनपुरी से है, जहां आबकारी विभाग और भोगांव पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से अवैध शराब की 130 पेटी बरामद की गई है। बताते चले कि शासन के निर्देशानुसार अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। बता दें मुखबिर की सूचना पर बियर ठेके पर से 10 पेटी केन अलग अलग ब्रांड की बरामद की गई है, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया और फरार आरोपी को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये उमेश कुमार जिसके यहाँ से बरामद हुई है, ये बिछवा का रहने वाला है। दूसरा संजीव और बजबीर, ये भोगांव क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, और इसमें सरकारी ठेके का भी इसमें हाथ बताया जा रहा है। ये मिल करके काम करते थे, सरकारी ठेके की आड़ में ये अवैध शराब का कारोबार कर रहे थे। पुलिस और आबकारी की संयुक्त टीम के द्वारा इनको अरेस्ट किया। सर कितना समय हो गया था इनको ये कार्य करते हुए? अभी पूछताछ की जा रही है। सर कोई और आपराधिक इतिहास? इसमें दोनों के आपराधिक इतिहास हैं, लंबे आपराधिक इतिहास हैं, दोनों पूर्व में भी आबकारी। लखीमपुर खीरी के थाना नीमगांव क्षेत्र के लोकेपार गांव में अज्ञात चोरों ने दो घरों में नकब लगाकर पैसे और जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। करीब 6000 रुपए की नकदी सहित बर्तन और जेवर पर हाथ साफ कर दिया। चोरों के इस आतंक से इलाके में हड़कंप मच गया। इसके अलावा चोरों ने एक और घर को निशाना बनाया। वहीं पीड़ित परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। वहीं परिवार की तहरीर के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। घटना का हम लोग शाम के यहाँ आए रहन काट कूट के गेहूँ सोईत रहे, अब पता ना कत्ते खनका से उठा ले गए बक्सा को सब माँ एक जोड़ी पहले ही धरी रहें, अब खड़ुआ एक जोड़ी रहें, अब चार थाली रहें माल के रे, दो लोटा रहें माल के रे। और हम लोग जब सुबह उठन देखें तो घर में सामान कुछ ना है, सब बाहर खेतन में मिला। क्या नगद पैसा भी था? कुछ पैसा ऐसा ना रहे। अच्छा क्या पुलिस आई है? पुलिस आई रहे। क्या कह रही है पुलिस? का वो तो यही पूछती है कि के पर सका है, तो हमें सक तो कोई पर नहीं, तो हम किसको बताएं? चशक हो तो बताइए, कह रही है पुलिस। बाकी कोई कार्रवाई करने का आश्वासन कुछ मिला है पुलिस की तरफ? कार्रवाई का तो कह रहे हैं कि अपन पूरी हम व्यवस्था से नहीं जुटे पर हैं। रात में यहाँ थाली बटुला का लुटिया उठा ली गई। चोर लोग कितने का सामान लगभग ले गए हैं? ले गए 15-20 हज़ार का। क्या नकदी थी? कुछ नगदी 800-900 रुपया। पुलिस आई थी मौके पर? हाँ। क्या कह रही है पुलिस? क्या कहा पुलिस है? पुलिस कह रही है कि कोई पस्सा को फिरोजाबाद में थाना रामगढ़ और SOG पुलिस की टीम को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अलग अलग स्थानों से चार शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिसके पास से अलग अलग स्थानों से चोरी किया गया सामान बरामद किए गए हैं। पूरे मामले को लेकर कार्यालय पर SP सिटी मुकेश चंद मिश्रा ने जानकारी भी दी। देखिए ये प्रकरण थाना रामगढ़ से संबंधित है, जहां थाना रामगढ़ पुलिस तथा SOG की टीम ने सम्मिलित रूप से कार्य करते हुए चार शातिर चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इन चार शातिर चोरों से गहनता से पूछताछ करने पर चार घटनाओं का अनावरण हुआ है, जिसमें तीन घटनाएं थाना रामगढ़ से संबंधित हैं तथा एक घटना थाना। वहीं
फरीदाबाद के बल्लभगढ़ क्षेत्र में से दो नाबालिग लड़कियों के अपहरण का मामला सामने आया है। गायब लड़कियों की उम्र 10 और 12 साल बताई जा रही है। बता दें, दिन दहाड़े ही दो नाबालिग लड़की गायब हो गई थी। पुलिस उस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। बता दें, पुलिस अपहरण का मामला दर्ज कर लिया है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। हमारे यहाँ से काम से 2:30 बजे के बीच में तो हमारी दो लड़की गायब है जी, और हम जब से ढूंढ रहे हैं उन्हें, और हमने हमारे पुलिस वाले 58 सेक्टर से थाने से भी आए हुए हैं, वे भी अपना क्या लगता है आपको क्या हुआ है? मैं वैसे ताऊ जी लगता हूँ जी उनका। नहीं, क्या बेटियों के साथ क्या हुआ? मतलब कोई मांगने वाले आए थे जी, और जब से पता नहीं है हमें, हम चले गए थे। नहीं, क्या सके आपको कोई उठा के ले गया है क्या? हाँ जी, हमें सके कोई उठा के ले गया बेटियों को। पुलिस को शिकायत दे दी? हाँ जी, पुलिस को शिकायत दे दी है। यहाँ से 3:30-4 बजे दो लड़कियाँ गायब हैं, उन दोनों 10 साल और 13 साल की उम्र है, तो उनको दे दिया है। यहाँ उन्हें इन्फॉर्मेशन दे दी, मुकदमा कर रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं, उनको कार्रवाई कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे भी खंगा रहे हैं, अभी तक कोई क्लू नहीं लगा है कैसे निकली है, कैसे अभी वो देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। क्या लगता है, कुत्ते को भी बेहोश किया गया है? पहले कुत्ता बेहोश मिला, मेडिकल तो आएंगे, अभी तक इतनी बेहोश नहीं लगती, पर फिर भी मेडिकल चेक कराएंगे तो पता चलेगा, ये गर्मी की वजह से हो सकता है। अब तक की खास खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।